सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। ओ लॉर्ड, लीड अस फ्रॉम अनरियल टू रियल, लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, लीड अस फ्रॉम डेथ टू मोर्टैलिटी। ओम पीस पीस पीस। Distinguished guest present on the dais, of the dais, and my dear students present here. At the outset, I must thank the organizer for having invited me to this prestigious function in this prestigious university, that is Delhi University. I am also very much delighted to see the good number of students have joined this meeting, and it shows, it proves that you are very much interested in Indian culture and civilization. Seva hi paramo dharma. This is the foundation of the spiritual and cultural heritage of India. Swami Vivekananda was traveling length and breadth of India as a wandering monk. But he was very much pained to see the miserable, the hapless condition of Indian masses. वो बहुत दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? Because in the past India was great. India was great in many fields. In the field of agriculture, in the field of literature, in the field of science, in the field of science and technology, in the field of literature, history, in the field of geography, whatever it may be. In all fields, India was great, there was no doubt about it. But various reasons and with the passage of time, India became very weak in all subjects, in all fields. So Swamiji was thinking, how to raise India? कैसे हम भारत को उठा सकते हैं? कैसे फिर भारत उठेगा, जगेगा? ऐसा उठेगा, ऐसा जगेगा कि the future India will dispel the all glory of the past. भविष्य भारतवर्ष, अतीत भारतवर्ष का जो गौरव है उसको भी इम्लान कर देगा। स्वामी जी बहुत आशावादी थे कि जरूर भारतवर्ष एक दिन उठेगा, जगेगा, आज नहीं तो कल। केवल उठेगा और जगेगा नहीं, भारतवर्ष एक दिन विश्व गुरु बनेगा। वन डे इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड टीचर, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। और हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है और ये विश्व गुरु का स्थान कौन दिला सकता है? स्वामी विवेकानंद has reposed great faith and confidence on youth. स्वामी विवेकानंद जी युवाओं पर विश्वास करते थे, अथाह विश्वास कि युवा ही देश को आगे ले जा सकता है, युवा ही देश को आगे ले जा सकता है। सम फ्रेंड्स वर टेलिंग मी, माई प्रीवियस स्पीकर्स आर ऑल्सो वर टेलिंग, वो बता रहे थे कि युवा शक्ति ऐसी शक्ति है, युवा शक्ति असंभव को भी संभव कर सकता है। इसका प्रमाण हमारे पास है, इसका मिसाल हमारे सामने है। जब भारतवर्ष की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, तब हमने क्या देखा कि युवाओं ने आगे बढ़कर आया और उन्होंने ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसके अगेंस्ट में लड़ा, अपनी जीवन की कुर्बानी दी और भारतवर्ष को स्वाधीनता मिली। यूथ कैन डू दैट, द यूथ पावर कैन मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। इसमें हमारे पास शक्ति है। देश को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं? देश को हम तभी आगे ले जा सकते हैं, हर क्षेत्र में हम आगे ले जा सकते हैं और उस ले जा सकते हैं सेवा के माध्यम से, थ्रू सर्विस। दैट इज व्हाई स्वामी विवेकानंद से टाइम एंड अगेन, रिनंशिएशन एंड सर्विस आर द टू आइडियल्स ऑफ द नेशन। इंटेंसिफाई हर इन दोज चैनल्स। हम सेवा के बारे में करते हैं, कहते हैं, हम कार्य करते हैं। कोई भी कार्य को हम सेवा नहीं कर सकते हैं। कार्य तो मशीन भी करते हैं, तभी हम एक कार्य को सेवा कह सकते हैं जब कार्य के साथ समर्पण की भावना जुड़ती है। That work becomes service. स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, वर्क इज वर्शिप। कर्म कब उपासना बन जाती है? जब कर्म के साथ समर्पण की भावना, रिनंशिएशन और सैक्रिफाइस जुड़ जाती है, तभी हम सही तरीके से सेवा कर सकते हैं। Swami, my previous speaker was telling the compare, सुबह सुंदर ढंग से वो बता रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, तुम ईश्वर को कहाँ ढूंढने जा रहे हो? Where do you seek God? You are going to seek God in the synagogue, in the temple, in the church. God is present before you. In the form of poor, unprivileged, illiterate, serve them. Then Swamiji's very famous quote, service to man is service to God. मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। क्यों मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है? कि हम जानते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर अंदर ईश्वर विराजमान है, भगवान विराजमान है और मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। इसी दृष्टिकोण से हमें सेवा करनी है। अगर इसी दृष्टिकोण से हम सेवा करेंगे तो जरूर हम देश को आगे ले जा सकते हैं। डोंट टेक इट अदरवाइज, द इंडिया हैज गेन्ड independence 75 years ago. Now we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. Undoubtedly India has made progress in certain fields. Certain fields. Still India is lagging behind in many fields. अभी भी इन भारतवर्ष को आगे बढ़ना है, बहुत क्षेत्र में आगे बढ़ना है। क्यों? 75 साल कोई कम नहीं, 75 years इज ए लॉन्ग टाइम। इंडिया को 75 साल में भारतवर्ष को और आगे जाना चाहिए था, बहुत आगे जाना चाहिए था, लेकिन भारतवर्ष नहीं जा पाया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि नहीं, हम देश के लिए जो हमने काम किया है उस सेवा की दृष्टि से काम नहीं किया है। अगर सेवा की दृष्टि से हम काम करते तो बाय दिस टाइम इंडिया वुड हैव बिकम ग्रेट इन ऑल फील्ड्स। इसलिए कैसी सेवा करनी है हमें जानना चाहिए। मैं एक कहानी बताऊंगा आप लोगों को। एक सड़क बन रही थी, रास्ता बन रही थी, गांव में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, लेबर लोग काम कर रहे थे। कोई एक सज्जन वहाँ से गुजर रहा था. And then gentleman asked the demon labor, what you are doing? तो जो काम करता था लेबर वो कहता है क्या है, हमको पैसा मिलता है, हम काम करते हैं और जीवन का निर्वाह करते हैं, that's all. The same gentleman proceeded further and asked the second labor कि आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? तो सेकंड लेबर जो है वो कहा कि मैं तो काम कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर के आदेश पर काम कर रहा हूँ, रुपया मिलता है, बस जीवन निर्वाह करता हूँ. अगेन फर्दर प्रोसीडिंग द जेंटलमैन आस्किंग द थर्ड लेबर, आप क्या करते हैं? देखिए क्या उत्तर देता है द थर्ड लेबर, इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. वो कहता है कि हे भाई महाशय, जब ये रास्ता बन जाएगी, हजारों हजारों लोग इस रास्ते के ऊपर से गुजरेंगे और बहुत ही आनंद के साथ अपना गंतव्य स्थल पहुँचेंगे. इतनी लोगों की सेवा करने की अवसर मुझे मिला है, इसलिए मैं धन्य हूँ, कितना कृतार्थ हूँ, कितना लोगों की सेवा करने की मुझे अवसर मिला है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है. यही है सेवा की दृष्टि. तीनों सभी लेबर लोग काम कर रहे हैं, पहला जो उत्तर दिया, सेकंड जो उत्तर दिया, लेकिन तीसरा लेबर जो उत्तर दिया बहुत ही समझने की है. वो कहता है उसको भी पैसा मिलेगा, लेकिन वो कहता है किस दृष्टि से वो काम करता है, सेवा की दृष्टि से काम करता है, समर्पण की भावना की दृष्टि से काम करता है. वो कहता है कि मैं धन्य हूँ, मैं कृतकृतार्थ हूँ, आई एम ब्लेस्ड दैट I have been given opportunity to serve the thousands of people. ये जो है यह है सेवा की भावना, समर्पण की भावना. Somewhere it is written, I think, the selfless work. Selfless work, you have to understand it. हम जो काम करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं, हम तो काम करते हैं दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरे का उपकार करने के लिए हम काम करते हैं. हम खुद अपने लिए काम नहीं करते. हम अपने लिए जब सोचेंगे कि हम अपने लिए काम करते हैं तो वो काम सेल्फलेस निष्काम कर्म नहीं हो सकता है. जिस कर्म से हम यही सोचेंगे कि हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये हम कहते हैं. गीता में बहुत सारी चर्चा की गई है कि हम काम करेंगे, निस्वार्थ काम करेंगे, अनसेल्फिश वर्क, तभी हम ठीक तरह से काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं. भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, गीता में आप पढ़े होंगे, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और भी श्लोक है पीछे. लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहा, तुम काम करो, तुम युद्ध क्षेत्र छोड़कर मत जाओ, लेकिन जब काम करोगे तब फल की आशा नहीं करना. यू हैव राइट टू वर्क बट यू हैव नो राइट टू द फ्रूट ऑफ द एक्शन. काम करते जाओ, फल की आशा नहीं करो. अगर इसी दृष्टि से काम करोगे तो वह कर्म सेवा बन जाता है, उपासना बन जाती है. आप प्रश्न करेंगे कि कर्म करेंगे, काम करेंगे विदाउट एनी मोटिवेशन, फल की आशा नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे काम कर सकते हैं? यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा. नोबडी कैन स्टॉप इट. दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर. अगर आप अच्छा काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपको अच्छा फल मिलेगा. अगर आप बुरा काम करते हैं तो आपको बुरा फल मिलेगा. दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर. इसीलिए आप काम करते जाइए, बढ़िया काम करते जाइए, अच्छा काम करते जाइए, तो आपको अच्छा फल मिलेगा. इसलिए फल के लिए आपको माथा पीछी करने की आवश्यकता नहीं है. डोंट बॉदर अबाउट द फ्रूट ऑफ द एक्शन. वो आप ही फल आएगा. अभी आपको फ्रूट ऑफ एक्शन मिलेगा। तो इसलिए निष्काम तरीके से काम करना चाहिए, और जब निष्काम तरीके से आप काम करेंगे तो वही काम सेवा बन जाता है, वही काम सेवा बन जाता है। आई वॉज गोइंग थ्रू द ब्रोशर द स्टूडेंट्स फॉर सेवा, हमने देखा कितना निस्वार्थ रूप से स्टूडेंट लोग जाते हैं, स्लम्स में जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं। एक किताब में पढ़ रहा था, कोविड में भी उन्होंने बहुत कुछ काम किया। उस समय जरूर आपने समर्पण की भावना से काम किया, आपको कुछ मिलेगा इस भावना से आपने काम नहीं किया। जहीं भी आप कर रहे होंगे और अभी भी आप जो काम कर रहे हैं, किसी कुछ मिलने के लिए नहीं। मैं जिक्र कर रहा था कि कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि एनएसएस का प्रोग्राम होता है, नेशनल हेल्थ स्कीम, तो क्या आता है जो स्टूडेंट्स हैं उसको कुछ पॉइंट्स मिलता है। तो वो क्या करता है स्टूडेंट्स, अरे चलो थोड़ा गांव में चलो गया, इधर चला गया, कुछ झाड़ू उड़ू लगा दिया, इधर उधर कर दिया, बस हो गया, हमको 2-4 पॉइंट्स मिल गया, बात खत्म। ऐसी बात नहीं, सेवा इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। 1 घंटा और 2 दिन 3 दिन की करने से नहीं होगी। और भी मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कोई सेवा कर रहे हैं यथार्थ रूप से आपको आनंद मिलता होगा, तृप्ति मिलती होगी, आप किसी का भी कुछ का उपकार आपने किया होगा, तब देखेंगे कि आपको बहुत शांति मिलती होगी और तृप्ति मिलती होगी, आनंद मिलता होगा जरूर, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए जो हमारे युवा पीढ़ी हैं, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स, उस सेवा के दृष्टि से हमें काम करनी है। सेवा की दृष्टि से आप प्रश्न कर सकते हैं, अरे हम सेवा के बात आप कहते हैं, सेवा करते जाओ, सेवा करते जाओ। अगर हम दूसरी दृष्टि से अगर देखें कि हमें सेवा करना है, देश की सेवा करना है। क्यों देश की सेवा करना है? अगर हम गहराई से देखें कि हाउ मच वी हैव टेकन फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द कंट्री। जो भी आज हम बड़े हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं सभी हम, हाउ मच यू हैव टेकन फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द कंट्री, फ्रॉम योर पेरेंट्स, हाउ मच देयर कंट्रीब्यूशन, द नेशंस कंट्रीब्यूशन, सोसाइटीज कंट्रीब्यूशन, पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन। उनका कंट्रीब्यूशन आप सबको बड़ा बनाया है। इसलिए सबके लिए यह फर्ज बनता है, इट्स अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कि हमें इतना सब कुछ मिला है, उसके बदले हमें कुछ समाज के लिए, देश के लिए करना चाहिए। एंड सर्टेनली वी आर इंडेटेड टू द सोसाइटी, टू द कंट्री। In return, you must do something. शास्त्रों में कहा गया है, पंच ऋण के बारे में कहा गया है, 5 kinds of debt। हम सब ऋणी हैं, देवता के पास ऋणी है, ऋषि मुनियों के पास, संतों के पास भी ऋणी है, पिता माता जी के पास भी ऋणी है, हमारे जो सगे संबंधी है उसके पास भी हम ऋणी हैं। क्यों ऋणी हैं? कि वी ऑल हैव टेकन समथिंग और अदर फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द सीनियर्स, फ्रॉम द फ्रेंड्स। इसलिए फर्ज बनता है, इज आर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग फॉर देम इन रिटर्न। इसके बदले हमें काम करना है, इसके बदले हमें काम करना है। नाउ वी आर द स्टूडेंट्स, बिकॉज अर्लियर आई यूज्ड टू डील विद द 10,000 स्टूडेंट्स इन वन कैंपस, द रामकृष्ण मिशन आश्रम, नरेंद्रपुर, कलकत्ता। From there I have come to Delhi. Very recently I am taken over charge of Ramakrishna Mission Delhi Parganj। वो प्रश्न करते थे कि स्वामी जी हम क्यों काम करें, हम सेवा सेवा आप करते हैं, क्यों सेवा करें। एक प्रश्न उठता है मन में। मैं उनको यही कहता था कि देखो, अगर जीवन में बड़ा होना चाहते हो, जीवन में अगर कुछ होना बनना चाहते हो, डॉक्टर इंजीनियर ये सब तो लोग बनते ही हैं, लेकिन ठीक ठीक तरह से अगर मनुष्य बनना चाहते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी विवेकानंद हैज सेड टाइम एंड अगेन, men are wanted, everything will take care of itself। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं यथार्थ मनुष्य बनो, यथार्थ मनुष्य बनो। केवल यही नहीं, कुछ साल पहले आई वॉज इन बॉम्बे रामकृष्ण मिशन एंड आई यूज्ड टू गेट इन्विटेशन फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। वंस आई वेंट टू वेरी Hi-Fi college and renowned college, at least 800 students were sitting। Then मैंने कहा स्टूडेंट को कि 10 स्टूडेंट बारी बारी से आइए और ब्लैक बोर्ड रखा है, ब्लैक बोर्ड पर लिखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो सब लोग दौड़ के आए, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहता है, यूपीएस में तैयारी कर रही है, सिविल IAS होना चाहता है, ये होना चाहता है, फिर कोई कलाकार बनना चाहता है, कोई अभिनेता बनना चाहता है। लास्ट स्टूडेंट केम एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, क्या लिखा? डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं, उन्होंने लिखा मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ, मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ। अगर कोई अच्छा मनुष्य बनता है तो वह अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा इंजीनियर बन सकता है, कोई भी अच्छा प्रोफेशनल बन सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते थे बार बार, आप विवेकानंद जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी बार बार कहा करते थे अगर देश को आगे ले जाना है, देश को समृद्ध करना है, देश को विश्व गुरु बनाना है, पहले अपने आप को बनाओ, पहले आप अपने आप को बनाओ। अपने आप को बनाने का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि हमें चरित्रवान और चरित्रवती होना पड़ेगा। कैरेक्टर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। परहैप्स यू नो दिस प्रोवर्ब, इंग्लिश प्रोवर्ब, इफ money is lost, nothing is lost, if health is lost, something is lost, if your character is lost, everything is lost। अगर मनुष्य का चरित्र नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। चरित्र ही असल चीज है। The man of character। मैं इस संदर्भ में एक घटना का जिक्र करूंगा। आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद वेंट टू द वेस्ट, अमेरिका, टू एड्रेस द पार्लियामेंट रिलीजन्स इन शिकागो। ही स्पोक द फर्स्ट सेशन फॉर 5 मिनट्स। एक ही वक्तृता से, स्पीच से उन्होंने सारा दुनिया को हिला के रख दिया। ही शुक द होल वर्ल्ड। एंड स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही प्रसिद्ध बन गए, बिकम हीरो ओवर नाइट। आफ्टर दैट स्वामी विवेकानंद स्टेड इन अमेरिका एंड यूरोप फॉर फ्यू ईयर्स, 5 और 6 ईयर्स। स्वामी विवेकानंद जी एक दिन लंदन के रास्ते में टहल रहे थे एंड इसी बेस में गेरुआ भगवा कपड़ा पहनकर, आप देखे होंगे पगड़ी लगाकर, ये देखो पगड़ी है, देखो स्वामी जी का पगड़ी लगाकर सन्यासी के रूप में ही वॉज रॉयटरिंग ऑन द स्ट्रीट ऑफ लंदन। फ्रॉम डिस्टेंस द ब्रिटिशर्स इज ऑब्जर्विंग, अरे ये कैसा आदमी है, ऐसा भगवा कपड़ा पहन लिया, ऐसा टर्बन लगा लिया, पगड़ी लगा लिया, बिकॉज द ब्रिटिशर्स नेवर सीन ए पर्सन इन लंडन वेयरिंग दिस टाइप ऑफ ड्रेस। स्वाभाविक है। तो उन्होंने सोचा, ब्रिटिश के लोग सोचा, ये जरूर कोई असभ्य देश से आया होगा, दिस पर्सन मस्ट हैव कम फ्रॉम सम अनसिविलाइज्ड कंट्री। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी द ब्रिटिशर्स आर आस्किंग स्वामी विवेकानंद, फ्रॉम व्हिच कंट्री यू आर कमिंग। स्वामी विवेकानंद जी उत्तर देते हैं, आई हैव कम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम एन इंडियन। स्वाभिमान के साथ वो कहता है, विथ ऑल प्राइड ही इज टेलिंग दैट आई हैव कम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम इंडियन। ओ यू आर इंडियन, ब्रिटिश के लोग कहते हैं, ओ यू आर इंडियन, तब जरूर आपका देश बहुत ही असभ्य होगा, पिछड़ा हुआ होगा। क्यों? बल्कि आप असभ्य की तरह ड्रेस पहने हुए हैं। और क्या उत्तर देते हैं स्वामी विवेकानंद, सुनिए। स्वामी जी कहते हैं, वाह, in your civilization, in your culture, in your tradition, tailor and race make a person great and civilized. But in my country, in India, in Indian tradition and culture and civilization, tailor and race do not make a person great and civilized. In my country, in my civilization and culture, कैरेक्टर मेक्स ए मैन ग्रेट एंड सिविलाइज्ड। स्वामी विवेकानंद उत्तर देते हैं, चरित्र। स्वामी बार बार कहते थे, चरित्र के ऊपर जोड़ दो, अपने आप को बनाओ, तब देश आगे ले जा सकता। आज हमारा देश अभी भी क्यों पिछड़ा हुआ है? अगर हम बहुत गौर से देखें तब देखेंगे कि हम चरित्रवान और चरित्रवती नहीं हो सके हैं। व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर के बारे में बहुत चर्चा होती है। व्हाट इज कैरेक्टर? अंडरस्टैंड इट। कैरेक्टर और कुछ भी नहीं है। कैरेक्टर इज सम टोटल ऑफ स्टार्लिंग ह्यूमन क्वालिटीज। डू यू अंडरस्टैंड? हम मनुष्य हैं। कैसे मनुष्य हैं? क्यों हमें लोग मनुष्य कहते हैं? बिकॉज वी द ह्यूमन बींग हैज गॉट सम स्टर्लिंग ह्यूमन क्वालिटीज। ये गुण है, अद्भुत गुण है, और किसी जंतु जानवरों में नहीं है। इस गुण होरन के कारण हमें मनुष्य कहा जाता है। और क्या है स्टर्लिंग ह्यूमन क्वालिटीज? अभी सभी जानते हैं, सेवा परायणता, कर्तव्य परायणता, स्वच्छता, ट्रांसपेरेंसी, और इतने सारे क्या नाम, प्रेम, सबको अपना लेना। नोबडी इज फॉरेनर। सम माई प्रीवियस स्पीकर वॉज टेलिंग वसुधैव कुटुंबकम। कैन यू इमेजिन दिस कॉन्सेप्ट? सारा विश्व हमारा परिवार है, नॉट ओनली योर टाइनी फैमिली, होल वर्ल्ड इज योर फैमिली। व्हाट ए वंडरफुल आइडिया ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसलिए यह हमें सोचना है कि जब हमारे अंदर, हमारे भीतर जब मानवीय गुण का विकास होता है, तो फिर आदमी बदल जाता है, पलट जाता है। ए काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कम्स। तब हम अपने आप को यथार्थ मनुष्य बता सकते हैं। यस, इन रियल सेंस यू आर ह्यूमन बीइंग। हम आदर्श नागरिक बनना चाहते हैं। नागरिक तो हम हैं, ऑल आर सिटीजन ऑफ कंट्री, और वी आर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन केवल नागरिक बनने से नहीं होगा, नेम से एक नागरिक बनने से नहीं होगा। दैट इज व्हाई यू हैव टू बिकम एनलाइटेंड सिटीजन। आपको आदर्श नागरिक बनना पड़ेगा। तभी आप आदर्श नागरिक बनेंगे जब आप सही तरीके से समाज की सेवा कर पाएंगे। आप तो प्रश्न करेंगे, महाराज हम लोग तो सेवा करते हैं, पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर कोई काम धंधा करेंगे, सब कुछ करेंगे, जॉब मिलेगा, अच्छा तनख्वाह भी मिलेगी, इट्स ऑल राइट, सब कुछ होगा, लेकिन क्या हम सही तरीके से काम कर रहे हैं? सेवा की दृष्टि से काम कर रहे हैं, बार बार जो मैं दोहरा रहा हूं, सेवा की दृष्टि से काम कर रहे हैं, सेवा की दृष्टि से नहीं। और भी एक प्रश्न आता है, जब हम सेवा के बारे में कहते हैं, स्टूडेंट को जब हम कहते हैं कि आप सेवा करो, ठीक तरीके से सेवा करो, तो मैंने स्टूडेंट होकर मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? हमारे ना पैसा है, ना कुछ है, ना कुछ करने का सामर्थ्य है। इंस्टीट्यूशनली, ऑर्गेनाइजेशनली आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि यू आर अलोन। बट डियर फ्रेंड्स, यू आर नॉट अलोन, दिस स्टूडेंट कम्युनिटी इज देयर। नाउ वी आर ऑन द वन प्लेटफॉर्म हियर आई फाइंड। और अकेले भी आप अलोन, यू कैन ऑल्सो डू समथिंग। क्या आप नहीं कर सकते हैं? आप यहाँ पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप कहीं रहते हैं, झोपड़पट्टी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो क्लास 1, 2, 3, 4 में पढ़ते हैं, ठीक से पढ़ाई भी नहीं होती है स्कूल में। कैन यू नॉट टीच देम 4 और 5 स्लम बॉयज? दे हैव गॉट इनफ टाइम। आधा घंटा नहीं आप पढ़ा सकते हैं छोटे बच्चे को? कितना उपकार होगा। आई टेल यू वन इंसिडेंट। आई वॉज वेरी मच मूव्ड by that incident. When I was in Calcutta, I used to evening, I used to walk in the park, बगीचा में जैसे यहाँ है, तो हम दूर से देखता था कि कहीं दूर शाम के टाइम कहीं दूर कोई बिजली जल रही, बल्ब और पेड़ के नीचे। तो मैंने सोचा कि क्या हो रहा है, जाके हम देखे हुए। तो मैंने धीरे धीरे गया और जाके देखा 8-10 झोपड़पट्टी के बच्चे बैठे हुए, स्लम बॉयज, पेड़ के नीचे बैठे हुए, और एक बल्ब जल रही, और एक यंग मैन इज टीचिंग समथिंग। मैं मुझे रह नहीं गया, मैंने उनके पास गया और मैंने पूछा, व्हाट यू आर डूइंग? बोले, स्वामी जी आई एम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मैं इसी रास्ते से जाता हूँ, मैं देखता हूँ झोपड़पट्टी के बच्चे बेचारे शाम को कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, इधर उधर खेलता दौड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आधा घंटा उसके लिए स्पेंड करूँ, उसको कुछ पढ़ाने के लिए कोशिश करूँ। इसलिए फॉर द लास्ट 2 years आई हैव बीन टीचिंग, ही इज टेलिंग, ही हैज़ बीन टीचिंग द स्टूडेंट फॉर मोर देन 2 years। बहुत बड़ी सेवा, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है? इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकता है? आप सब कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं। एक जैसे मैंने बोला, नरेंद्रपुर में मैं था, इज ए ह्यूज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एक स्वामी जी ने बताया कि एक काम करना, तुम क्या सेवा का काम किया, अच्छा काम किया, ये हमें 1 महीना बाद बताना। 1 महीना बाद स्वामी जी उससे पूछते हैं, ये सब सोचने की बात है, पूछते हैं अच्छा तुमने क्या अच्छा काम किया बताओ। तो कोई ने बोला झाड़ू लगाया, ये किया वो किया, ये सब बताया। एक छात्र ने बताया, क्या बताया जानते हो? कि मैंने बहुत बड़ा काम किया स्वामी, मैंने बहुत बड़ा काम उन्होंने नहीं कहा, बोले अच्छा काम किया। क्या किया? तो बोला हमारे नरेंद्रपुर में ब्लाइंड बॉयज एकेडमी है, अंधे बच्चे लोग पढ़ते हैं। तो 1 ब्लाइंड स्टूडेंट वांटेड टू क्रॉस द रोड, वेरी बिजी रोड, नरेंद्रपुर के सामने में एक बहुत बड़ा रास्ता है, वेरी बिजी रोड। वो क्या होता है, वो अंधा बच्चा आगे बढ़ता है रोड क्रॉस करने के लिए, इतना सब ट्रैफिक, फिर पीछे हटता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे हटता है, और रोड क्रॉस करने के लिए उसकी हिम्मत नहीं, रोड क्रॉस नहीं कर पाया है। और एक स्टूडेंट, साइटेड स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, वॉज स्टैंडिंग नियर हिम इन द गेट, उसको भी कहीं जाना था। उन्होंने देखा, अरे ये बेचारा क्रॉस रोड कर नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को हाथ पकड़ा और उसको रास्ते के ऊपर उधर ले गया। इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है? एक अंधा बच्चा को रास्ता पार करा दिया। डियर फ्रेंड्स, आप लोग भी कर सकते हैं, करिए उसको। और मैंने जब वो बता रहा था इंसिडेंट, स्वामी जी वॉज टेलिंग मी, जब बता रहा था उसका आनंद से मुंह सब कुछ एकदम विभाषित हो गया जिसको कहते हैं. यू सो मच प्लीज टू हेल्प दैट ब्लाइंड स्टूडेंट टू क्रॉस द रोड. तो मेरे कहने की मतलब यह है, यही है सेवा की भावना. आप लोग कर रहे हैं, मैंने भूसर में देखा बहुत काम आप कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, बस्ती में जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं. कोविड में ने आपने बहुत काम किया, मैंने भी देखा, सबने देखा कि आपके जान की परवाह न कर कोविड के मरीज के पास जाते हैं और उसके आप सेवा करते हैं. इसलिए ये करते जाइए, आपको आनंद मिलेगा और इस सेवा के माध्यम से अपने आप को आप बना सकते हैं. अगर अपने आप को आप बना सकेंगे जब, तभी आप देश को आगे ले जा सकते हैं, तभी आप देश को महान बना सकते हैं, तभी भारतवर्ष को विश्व गुरु बना सकते हैं. जरूर बनाएंगे. और स्वामी विवेकानंद यही कह रहे हैं कि माई फेथ इन यंगर जनरेशन, माई फेथ इन मॉडर्न जनरेशन, आउट ऑफ देम माई वर्कर विल कम एंड दे विल वर्क लाइक ए लायन फॉर रीजनरेशन ऑफ इंडिया. स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, युवा पीढ़ी पर मेरा विश्वास है, आधुनिक पीढ़ी पर मेरा विश्वास है. इसका मतलब आप यंगर जनरेशन, मॉडर्न जनरेशन, और उसके भीतर से ही आएंगे मेरे वर्कर, सिंह की तरह काम करेगा. और क्या करेगा? काम करेगा किस लिए? फॉर रीजनरेशन ऑफ इंडिया, भारतवर्ष का पुनर्गठन के लिए रीजनरेशन ऑफ इंडिया वो काम करेगा. स्वामी विवेकानंद जी को आप निराश ना करें. स्वामी विवेकानंद इतना भरोसा करके आपके ऊपर गए हैं और जरूर आप काम करेंगे, सेवा करेंगे, देश के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे. समर्पण ये बहुत बड़ी चीज है. लोग कहते हैं नेशनलिज्म. नेशनलिज्म क्या है? खलियाँ लगा दिया, झंडा लगा दिया, इधर कर दिया, वो नेशनलिज्म नहीं. पैट्रियटिज्म है नेशनलिस्टिक स्पिरिट. और नेशनलिस्टिक स्पिरिट क्या है? नेशनलिस्टिक स्पिरिट है, अगर हम दूसरी भाषा में कहें, इट इज पैट्रियटिज्म. देश प्रेम, देशभक्ति. एक ही घटना का जिक्र कर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा. देखिए स्वामी विवेकानंद जी की अंदर के भीतर अंदर कितनी देशभक्ति थी, देश प्रेम था. यह महात्मा गांधी जी का एक फोटो लगा हुआ है. महात्मा गांधी वेंट टू बंगाल, कलकत्ता टू अटेंड कांग्रेस कन्वेंशन कांग्रेस की मीटिंग. इत्तेफाक से महात्मा गांधी विजिटेड बेलूर मठ in Bengal, Calcutta is the headquarter of Ramakrishna Mission. बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए वहाँ. नेता महात्मा गांधी जी बेलूर मठ गए हैं, आसपास से बहुत लोग इकट्ठा हो गए और सब ने महात्मा जी से अनुरोध किया कि आप कुछ बताइए. स्वामी विवेकानंद नेताजी क्या कहते हैं, सुनिए. इस पुण्य, हैव यू सीन बेलूर मठ एनीबॉडी? बस अलोन. और एक हाथ उठा उधर से. चलो ठीक है. तो महात्मा गांधी कहते हैं मैं क्या बताऊं, इस पुण्य भूमि में आकर मैं तो यही बता सकता हूं कि यहाँ जो शक्ति मुझे मिली है और शक्ति हमारे अंदर, हमारे भीतर कार्य करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है. और एक बात उन्होंने बताया, जे मेरी देशभक्ति तो है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की वाणी और रचना पढ़कर मेरे भीतर, मेरे अंदर देशभक्ति 1000 गुना बढ़ गई है. माई लव फॉर कंट्री, लव फॉर मदरलैंड हैज बिकम 1000 फोल्ड. ये थी स्वामी विवेकानंद जी की देशभक्ति. देशभक्ति. सो यू मस्ट बी पैट्रियट, यू मस्ट हैव फीलिंग सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म. तभी आप देश को आगे ले जा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं ले जा सकते हैं. देशभक्ति का अर्थ होता है टू गेट आइडेंटिफाइड योर सेल्फ विद द कंट्री. एकात्मानुभव करना देश के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ। जब अब एकात्मानुभव कर सकेंगे, when you feel oneness with your motherland, your country, then only you can serve India or your motherland, और देश के लिए, मातृभूमि के लिए आप काम कर सकते हैं। मेरा पूर्व वक्ता बता रहे थे, बहुत ही सुंदर ढंग से बता रहे थे। क्या बता रहे थे? जी स्वामी विवेकानंद जी 10,000, 15,000, 1,00,000 यूथ उन्होंने उन्हें केवल कहा, अगर हमें 100 युवा मिल जाता है, वो कैसा युवा? वेरी एक्टिव, वेरी डेडिकेटेड एंड इज फुल ऑफ सेक्रीफाइस, कर्मठ। ऐसा अगर युवा प्योर, ऐसा अगर 100 युवा हमें मिलता है, स्वामी जी कहते हैं मैं केवल भारतवर्ष का कायाकल्प नहीं, छवि नहीं, सारा विश्व का जो कायाकल्प कर सकता हूँ, जो विश्व का जो छवि है उसको बदल सकता हूँ। You have got the tremendous power, my dear friend sitting in front of me। आप सब कुछ कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं यही तो पॉजिटिविटी है। हम बहुत आजकल चर्चा करते हैं नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। क्या है पॉजिटिविटी? बताओ। पॉजिटिविटी यही है कि आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और इस पर विश्वास कर सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो कह के गए हैं, इन्फिनिट पावर इज लाइंग विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपके अंदर, सबके अंदर इन्फिनिट, अनंत शक्ति है, पावर है, और आप जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। The immense possibilities lie within you। आपके अंदर संभावनाएं हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो प्लेटफॉर्म आपने तैयारी की है स्टूडेंट फॉर सेवा, और बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सेवा कर रहे हैं और भी आगे जाके करेंगे, जब बड़े होंगे इम्तिहान तब भूल नहीं जाना। जब बड़े हो जाओगे, कोई पद पर चले जाओगे, तब भूल गया, अरे तो सब देश भाड़ में जाए, अभी तो हमें रुपया पैसा कमाना है, सब कुछ करना है। ये भूल नहीं जाना है। कीप दिस आइडिया इन योर माइंड फॉर एवर कि हमें देश की सेवा करना है। तो फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजक जिन्होंने आयोजन किया है, हमें यहाँ बुलाया है, और आपके साथ दो शब्द शेयर करने को शुभ अवसर मुझे मिला है। और स्वामी विवेकानंद जी, आप किसी भी संस्था से जुड़े हैं, सब हम जानते हैं, लेकिन उस संस्था जो है, उस संस्था को जो पहले लोग थे, संस्था के बड़े बड़े लोग थे, उसको कहाँ से प्रेरणा मिली? वो फोटो रखा है स्वामी विवेकानंद जी, उनसे प्रेरणा मिली है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत हमें अच्छा लगा। अरे हम तो आश्चर्य हो गया कि दिल्ली जैसा जगह, हाई फाई जगह, यूनिवर्सिटी, अरे ये सब बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग थोड़े ये सब सुनने के लिए आएंगे, क्या आध्यात्मिकता है, क्या सेवा है, वो सब सुनने लगे। मैं तो अचंभा हो गया, रियली आई वंडर, सरप्राइज रादर से, कि आप इतने संख्या में आए हैं, इतने संख्या में आए हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा, जो भी आपने कुछ सुना, जिन्हें पूर्व वक्ता भी, उन लोग भी बता के गए हैं, उसको यहीं छोड़ के मत जाइए, यहीं छोड़ के मत जाइए। डोंट गो एम्प्टी हैंड। ये जो आपने सुना, जो कुछ भी समझा, उसको साथ लेते जाइए और उस पर चिंतन कीजिए। डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड, देयर इज़ नो डाउट अबाउट यू। नमस्कार। मैं रैप अप माई स्पीच विद फेमस वैदिक प्रेयर, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, लेट ऑल बी हेल्दी, लेट ऑल बी हैप्पी। नमस्कार, धन्यवाद। आपकी बात के लिए मैं आपके चरण में प्रणाम ज्ञापित करता हूँ, और हम सब आपको आश्वासन भी देते हैं कि आज जो भी शिक्षाएं और जो भी स्वामी विवेकानंद के विचार